आपको बारंबार वंदन और यहाँ जो युवा भाई हैं आपको भी प्रणाम करते हैं। आज सभा में देखिए ये पहले बुरी बात हुई, अभी तक साथ चल रहे थे लेकिन अभी कोई कारण से कोई काम हुआ वो बाहर गए, कल से फिर सभा में आए। ये जो संत है ये बल्ला ही है, ये बैठ ही है, हर गांव में गली में घूम रहे हैं, हर पंचायत में। जबकि एक साल को इस तपस्वी के हाथ में एक माला माला फेरने का काम है और उसकी जगह ये छोड़ के ये बैठ लेके पार्टी जगरामपुरी जी पार्टी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2:30 बजाती है लेकिन पार्टी को बल्ला नीचे नहीं है। रात को कल 3 बजे पार्टनर गगन में एक मीटिंग थी, मैंने कहा बाकी आप रहने दो मैं जाऊंगी, आप भोजन करो। उन्होंने भोजन भी नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं बाहर तू जहाँ जाएगी मैं साथ चलूँ। और वो रात के 2 बजे भी वो पार्टनर गगन की बैठक में साथ चले और वो बैठक ले चले। ऐसा चुनाव गगन साहब मैंने तो जीवन में नहीं देखा, आपने देखा होगा पता नहीं, लेकिन कोई कहता है कि निर्दलीय है, मैं कहती हूँ ये तो सर्वदलीय हो गया, पार्टी की बात तो खत्म हो गई। कांग्रेस बीजेपी आरएलपी जितनी पार्टियां हैं सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, सबका समर्थन मिल रहा है। ज्यादातर चुनावों के अंदर कोई ना कोई विवाद या कोई झगड़ा, सामने वाला हमेशा कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये चुनाव ऐसा हुआ है कि अगर कहीं कोई विवाद यहाँ भी, चाहे पंचायत में चुनावों को लेकर हो, सरपंच चुनावों को लेकर हो या कोई परिवार में हो, तो वो भी सारा जो अपना मतभेद था, जो लड़ाई थी वो भूलकर पूरा गांव, 36 गांव की जनता एक जगह पर आकर आकर बैठेगी। ऐसा पहली बार चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि सब लोग एक जगह पर आकर बैठे तो सही। और ये पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बाड़मेर के 36 गांव की जनता एक राय होकर एक जगह पर बैठी है और अपनी बेटी के लिए बैठी है और चुनाव लड़ रही है। तो बाड़मेर के 36 गांव की जनता लड़ रही है, चेहरा प्रियंका का जरूर है, चेहरा प्रियंका का है, लेकिन चुनाव आज यहाँ आप सब लड़ रहे हैं, ये माताएं बहने ये युवा ये बच्चे ये सारे बुजुर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि आप 3 तारीख को दिवाली मनाओगी क्या, मैंने कहा 3 तारीख को मैं नहीं, बाड़मेर की 36 गांव की जनता दिवाली मनाएगी। और इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह दिया है, मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आदरणीय खट्टा राम जी प्रधान साहब आज अपनी इस बहन को आशीर्वाद देने के लिए सब कुछ छोड़कर, अभी थोड़ी देर पहले ये बल्ला जो अभी बाप जी के पास है, थोड़ी देर पहले ये बल्ला प्रधान साहब के हाथ में था, ये जिम्मेदारी इन्होंने उठाई कि ये बल्ला मेरे साथ है और मैं इस बल्ले के साथ हूँ, इस बल्ले को आगे ले जाना। अभी पहले रावतसर में मीटिंग थी, वहाँ प्रधान साहब की आंखों में आंसू आ गए, इनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजनीति के अंदर जब हारना जीतना टिकट मिलना कटना अलग चीज है, लेकिन राजनीति में जब बात आ जाए मान सम्मान की वो बर्दाश्त नहीं होता, राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। और इनकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, प्रधान साहब की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। आज मैं जो आपके सामने हूँ तो वो भी यही कारण है कि टिकट कट गई तो कट गई, लेकिन बात परिवार के नाम पर आ गई, बात परिवार के मान सम्मान पर आ गई। अभी प्रधान साहब ने कहा था कि राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था,
मैंने भी यही सोचा था जब टिकट कटा, मैंने कहा छोड़ो राजनीति, क्या करना ऐसी राजनीति का। पहले बार पहली जो सोच थी वो ये थी कि सब कुछ छोड़ दूंगी, भगवान धारण करके बाप जी के चरणों में चली जाऊंगी, फिर बाप जी के आदेश अनुसार आगे काम करती रहूंगी। लेकिन जब आप सब इकट्ठे हुए थे, 36 कौम की जनता इकट्ठी हुई, बाप जी आए, बाप जी ने कहा कि नहीं तू कदम आगे बढ़ा, कदम पीछे नहीं खिसका ना, हम सब तेरे साथ है, बाड़मेर की 36 कौम की जनता तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। तो आज आपकी ये बेटी आपके बीच में खड़ी है, आपके भरोसे, आपके आशीर्वाद के भरोसे पे, माताओं बहनों के समर्थन और सहयोग के भरोसे पे, और युवा भाइयों ने जो साथ दिया आपके भरोसे। आज मन नो खुश होता है कि एक गंगा राम जी नहीं, हजारों हजार गंगा राम जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि चिंता मत कर आपा जीतला, चिंता मत कर आपा जीतला। मैं यूं नहीं कहे कि प्रियंका जीतेगी, यूं पास आके कान में बोलते हैं प्रियंका भैया चिंता मत कर आपा जीतला। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद है सारे बुजुर्गों को गंगा राम जी की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, और धन्यवाद है हजारों हजार युवा भाइयों को कि सगा भाई एक है लेकिन आज अपनी इस बहन के लिए हजारों युवा भाई यहाँ इतने जोश में खेलते हैं। आपको भी धन्यवाद, एक ही आग्रह करती हूँ कि जो आपने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया है, तो इस बल्ले का ध्यान रखिएगा। ये जो प्रधान साहब हाथ में लिए घूम रहे हैं, पहले बार भी लिए घूम रहे थे, इस बल्ले को ध्यान रखना। और 25 तारीख को जो वोट है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, वो आशीर्वाद वोट के रूप में पेटी में डालना, यही आग्रह आपसे करती हूँ। और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो विकास के काम होंगे, सेवा करने के लिए आए हैं तो सारे काम करने ही हैं, और सब मिलकर करेंगे। 36 कौम के लोग सब मिलकर एक जाजम पर बैठकर तय करेंगे कि इस पंचायत में क्या काम होना चाहिए, और काम करने के लिए कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है, सीधा ये घर सीधा काम कराना है। और बूथ के लिए जो आज के विधायक महोदय देखते हैं कि किस बूथ पे कितने वोट मिले हैं, काम करने से पहले बूथ की लिस्ट देखते हैं, ना तो गंगा राम जी ने लिस्ट देखी, ना प्रियंका ने देखी, ना आने वाले समय में प्रियंका देखेगी। चाहे वोट मिले हो या ना मिले हो, जो रामदान जी गंगा राम जी की चौखट पे आया है वो कभी खाली हाथ न गया है न जाएगा। ये आपको विश्वास दिलाती हूँ आपकी बेटी, आपका से झुकने नहीं दूंगी। आपने जो आशीर्वाद और इतना स्नेह दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि इस आशीर्वाद का मान सम्मान मैं रखूं। आपकी सर आपकी कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने इस बहन का साथ दिया। आपका सर हमेशा फख्र से ऊंचा होगा, गर्व से ऊंचा होगा।